अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, सेट्स एंड फंक्शन, और कुछ सेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो देखें। इंटीजर्स के बाद, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बाद, आज की इस वीडियो में हम एक और नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिनको बोला जाता है फ्रैक्शनल नंबर्स। अब फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का असल में मकसद क्या होता है, हमारे पास एक नंबर है 100, उसको डिवाइड किया 10 से तो हमारे पास आया 10। इसका मकसद क्या होता है डिवाइड करने का, डिवाइड को उर्दू में बोला जाता है तकसीम। तकसीम मतलब कि 100 रुपये थे, 10 बंदों में हमने तकसीम करने थे। हमारे पास 100 रुपये थे, 10 बंदों में तकसीम करने थे, तो बताओ हर बंदे के पास कितने नंबर कितने आएंगे पैसे। हर बंदे को अगर 10-10 रुपए दिए जाएं तो ये 100 रुपए 10 बंदों में तकसीम हो जाएंगे। तो ये हमारा डिवाइड का मेथड था, तकसीम करना। इसी तरीके से अब फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन का जनरल फार्मूला a/b। फ्रैक्शन भी असल में होता है डिवाइड करना, तकसीम करना ही होता है, हिस्सों में डिवाइड करना। ए को डिवाइड कर दो इतने हिस्सों में। इसकी एक मिसाल यही ले लेते हैं, 100/10, तो इसका भी आंसर आएगा 10। फ्रैक्शंस भी असल में इस्तेमाल किया जाता है हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, 100/10, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 10। अब सवाल आया, इसका जो जनरल फार्मूला है वो कुछ इस तरीके का, a/b, बट b इज Not equals to zero। a/b, a डिवाइड कर रहा हो b को, पर b जो है वो जीरो के बराबर ना हो। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर बोला जाता है b जीरो के बराबर इसलिए नहीं हो क्योंकि वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। आसान लफ्जों में इसको समझते हैं। अब इनफाइनाइट क्या होता है, ये हमने क्या पढ़ा, 100 को डिवाइड करना है, 100 को तकसीम करना है 10 हिस्सों में। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं 5 को हमने तकसीम करना है 0 हिस्सों में, आसान सादी जिंदगी में मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास है एक पिज़्ज़ा। क्या है, एक पिज़्ज़ा है। अब पिज़्ज़ा को हमने क्या करना है, 5/0, नीचे वाले जो नंबर है हमने उसमें क्या करना है, इतने हिस्सों में तकसीम करना है। अब 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए मना किया जाता है जो 0 जो है वो डिवाइड में ना हो, उसको बोला जाता है इनफाइनाइट, मतलब कि इन्फिनिटी आ जाता है, वो गिनती से बाहर हो जाता है। इसलिए क्योंकि 0, 5/0, अब कितने हिस्सों में तकसीम करें इसको, 0 आ गया, सो इसलिए मना किया जाता है जो b जो है वो 0 के बराबर ना हो। ये हमारा आ गया फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर्स के बाद जो आते नंबर वो होते रैशनल, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड करना, तकसीम करना। अब कुछ नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि अभी हमने 100/10 किया तो हमारे पास आंसर आया 10। अब इसी तरीके से कुछ और मिसालें हम ले लेते हैं। यहां पर रफ वर्क में यहां पे हम कुछ मिसालें ले लेते हैं। इसका मकसद क्या है, 2/3, सो 2 1 2, नीचे 1 बच गया, पॉइंट लगाकर हम 0 लगाएंगे यहां पर, सो 2 5 10। इसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा,
पर इसी तरीके से अगर हम और इसको एक और मिसाल ले लें इसकी, थ्री और टू, सो पॉइंट लगाकर जीरो लगाया यहां पर, थ्री सिक्सा 18, फिर टू बच गया, फिर पॉइंट की मदद से जीरो, फिर थ्री सिक्सा 18, फिर भी टू बच गया। मतलब के दो मिसालें हमने यहां पे ली, एक टू को डिवाइड किया थ्री से, एक थ्री को डिवाइड किया टू से। तो यहां पर हमने देखा क्या हुआ, 1.5 के बाद हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा, पर यहां पर हम जितना भी डिवाइड करते जा रहे हैं हमारे पास रिमाइंडर टू बचता जा रहा है। जीरो, फिर थ्री सिक्सा 18, फिर नीचे टू बच गया। मतलब कि जितना देखें सॉल्व करते जा रहे हैं हमारे पास रिमाइंडर में टू बचता जा रहा है। अब दो किस्म के नंबर्स हमारे पास आ गए, एक जिनको डिवाइड करके हमारा आंसर खत्म हो रहा है और एक जिनको डिवाइड करके हमारा आंसर खत्म नहीं हो रहा। तो वो नंबर्स जिनको डिवाइड किया जाए और उनका आंसर जो है वो खत्म हो जाए, मतलब कि कोई भी सिंपल नंबर जैसे कि ये 10 है, ऐसे कोई 10 आ जाए, या तो फिर ऐसा नंबर आ जाए जो कि पॉइंट के बाद एक या दो नंबर्स के बाद खत्म हो रहा हो, वो नंबर कहलाता है हमारा रैशनल नंबर। वो नंबर जो कि हमारा पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, जैसे कि एग्जांपल हमने ली 1.5, 1.5 ये नंबर क्या है, 0.5 के बाद खत्म हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। पर इसी तरीके से हमने यहां पर एक नंबर और डिवाइड किया जो था 0.6666, चलता जा रहा है खत्म नहीं हो रहा, वो क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल नंबर। वो नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए या तो पॉइंट से पहले ही खत्म हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो कहलाता है रेशनल नंबर। और वो नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो, चलता रहे, वो कहलाता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स की दो और टाइप्स होती हैं, पहली का नाम होता है टर्मिनेटिंग और दूसरी का नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, अब जैसे यहां पर हमने इसको डिवाइड किया तो 0.666 आ गया, मतलब के पॉइंट के बाद सारे नंबर्स जो हैं वो सेम हैं, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी टर्मिनेटिंग कहलाएगी। 0.666666 ही चलता जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा, वो कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें पॉइंट के बाद नंबर चेंज हो रहे हो, कोई एक पैटर्न जनरेट ना हो रहा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद हमारे पास सवाल आया, अगर तो फर्ज कर ले ऐसा नंबर आ जाए 0.32322, मतलब कि खत्म नहीं हो रहा, पर पॉइंट के बाद देखा जाए तो नंबर्स एक ही पैटर्न चल रहा है, 3232 3232, एक ही पैटर्न चल रहा है, तो ये नंबर जो है ये क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो अगर तो पॉइंट के बाद हम देखेंगे एक ही पैटर्न चल रहा है, तो वो नंबर भी कहलाएगा टर्मिनेटिंग, 3232 एंड सो ऑन। अब इसके बाद एक सवाल और जनरेट हुआ, अगर तो कुछ इस तरह का नंबर आ जाए हमारे पास 0.36121212, मतलब क्या, पॉइंट के बाद दो नंबर्स जो है वो चेंज है, पर आगे जो नंबर्स चल रहे हैं वो सारे क्या हैं, एक ही पैटर्न में चल रहे हैं, तो वो कौन से में आएंगे, टर्मिनेटिंग में या नॉन टर्मिनेटिंग में। तो अभी अभी हमने पढ़ा अगर सेम पैटर्न चल रहा हो तो वो टर्मिनेटिंग है, भले पॉइंट के बाद एक दो नंबर्स जो है वो चेंज हो, तीसरे या चौथे नंबर से एक ही पैटर्न स्टार्ट हो गया है, तो वो भी क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। तो एक बात हमें समझ आई, टर्मिनेटिंग जिसमें पॉइंट के बाद नंबर खत्म ना हो रहे हो पर पैटर्न सेम चल रहा हो, वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। और जिसमें पैटर्न सेम ना हो, अलग अलग पैटर्न हो, मतलब कि कोई पैटर्न जनरेट ना हो रहा हो, आगे पीछे कुछ भी नंबर आ रहे हो, वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।